तो मैंने जो दिया था अपना स्टेट लेवल पेंटिंग कॉम्पिटिशन, उसमें मैं जीत गई और अब मैं जा रही हूँ नेशनल के लिए। तो चलो मेरे साथ मेरी जिंदगी की पहली बड़ी ट्रिप है टू महाराष्ट्र। अरे वेट, कहाँ चले? पैकिंग तो करने दो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखो यहाँ पे चल रही है पैकिंग, यहाँ पे खिला रहे हो कपड़े और ये टॉपें दिख रही हैं आपको। सर्दियों में मैं गर्मियों के कपड़े क्यों पैक कर रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। एक सरप्राइज है आपके लिए और मेरे लिए भी। एक टी शर्ट हो गई, दो टॉप्स हो गई, एक फ्रॉक हो गई और एक जैकेट हो गई, दो जैकेट हो गई, ठीक है ना? काफी। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और मेरा दराज नीचे गीला हो गया और मेरी मम्मा मेरा दराज नीचे साफ कर रहे ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। अच्छा ठहर ठहर तो ठहर। थैंक यू मम्मा। दूसरी साइड कर। कपड़ा सुखाने का नया मेथड गाइस। तो अब मेरे को जल्दी जल्दी बाल सुखा के तैयार शहर होके खाना खा के निकलना होगा। मेरे जो टीचर्स हैं जो पुंछ से आ रहे हैं वो यहाँ जम्मू पहुंचने वाले, जिनके साथ मैंने नगरोटा जाना है, क्योंकि मैं बाद में बताती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ये पहन लिए कुछ गरम गरम कपड़े। अब मैं आपको फाइनली बता ही देती हूँ। तो पिछले जो आपने व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें मैं गई थी स्टेट लेवल पेंटिंग कॉम्पिटिशन, मुझे कुछ नहीं पता कैसे बट मैं सिलेक्ट हो गई और अब मैं जा रही हूँ नेशनल के लिए। आपको पता है मैं आज से पहले कभी कहीं घर से ज्यादा दूर नहीं गई हूँ, ज्यादा से ज्यादा हिमाचल गई हूँ, ठीक है, और जम्मू तक आई हूँ और मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मेरा सपना था यार मैं कहीं दूर जाऊँ, मतलब दिल्ली जाना ही मेरे लिए तो क्रेजी हो जाता ना अगर मैं दिल्ली भी जा रही होती, पर मैं महाराष्ट्र जा रही हूँ। पहली बात तो मुझे अभी तक ये खबर डाइजेस्ट नहीं हो रही है और मेरे को अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि मैं पहुंचूंगी वहाँ पे या नहीं। मेरे को लग रहा है कि रास्ते में कुछ हो जाएगा और मैं नहीं पहुंच रही हूँ वहाँ पे। मतलब नॉट कुछ हो जाएगा पर ऐसे हम वापस आ जाएंगे वहाँ से, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं पहली बार ट्रेन में भी ट्रेवल करने वाली हूँ, पहली बार मैं कहीं दूर भी जा रही हूँ। और आपको पता कहीं भी मैं नई जगह जाती हूँ मैं वहाँ जाकर पागल हो जाती हूँ। इस बार तो मैं पक्का बहुत ज्यादा पागल होने वाली हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब चलो ठीक है, साथ में चलते हैं। मैं खाना खाती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया कल रात से। कल रात को मैंने कुछ नहीं खाया था, सुबह भी कुछ नहीं खाया था। अब दिन के 3 बज गए हैं ना, मैं एडिटिंग करो कर लगी थी रात को, मैंने कंप्लीट करके अभी सुबह अपलोड पे लगाया क्योंकि मेरे को फोन खाली करना था फॉर न्यू व्लॉग्स आपके लिए। तो हाँ खाना खाते हैं चलो। तो मम्मा मासी के घर जा रहे हैं और मैं पीछे निकल जाऊंगी अभी और फिर उसके बाद मम्मा को 10-15 दिन बाद मिलूंगी। बाय। 10 10 20 तक आऊंगी, 20 तक। ठीक है यार, ये क्या, मैं आती हूँ, तू जाती है, तू आती है, मैं जाती हूँ, है ना? मम्मा आते हैं यहाँ पे, मैं चली जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, मम्मा आ जाती, हम साथ, हमारा साथ रहना लिखा ही नहीं है। और मैं यहाँ पे सारा अपना सामान रख रही थी जो जो मेरे को जरूरत पड़ेगा और साथ में पैक कर रही हूँ ये छोटू सा बैग जो कि मेरे साथ रहेगा हर टाइम, कैरी बैग। बाय बाय। और ईशु दीदी और मम्मा दोनों जा रहे हैं ऑटो में बैठ के मासी के घर। ये लो जी मेरा पूरा बैग हो गया पैक। और जो लास्ट टाइम मैंने छोटी छोटी गलतियां की थी जैसे साबुन रह जाना, टूथपेस्ट, ये वो, तो वो गलतियां मैं अब नहीं कर रही हूँ, मैंने सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया। तो फाइनली कल रात के बाद अब मैं खाना खा रही हूँ, बहुत ज्यादा भूख लगी थी मेरे को, पर मैंने राजमा के बनने का वेट किया, जब राजमा बनती फिर मैंने खाना लिया। तो यहाँ पे भी हम वेट कर रहे हैं, अभी सर आ रहे तो हम यहाँ पे खड़े हुए। आगे कहाँ पे? मैडम यहाँ मेरे को मेरी दोस्त मिल गई जो लास्ट टाइम आपने ब्लॉग में देखी होगी। और अभी हम यहाँ से जाएंगे नगरोटा। अभी बस स्टैंड में क्या? नहीं मेरे की खुद नहीं पता। ये मेरे को मिले अभी, हाय बोल रहे। ब्लॉग देखते हो? हाँ। सिस्टम है बस। शुक्रिया। और मैं यहाँ पे अपने पैसों का हिसाब भी लिख रही थी कि कहाँ पे कितने पड़े हैं, लाइक अ रिस्पॉन्सिबल बच्चा। ये देखो हम दोनों के बैग साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। भाई भाई लग रहे हैं ना। और यहाँ पे पता नहीं हम क्यों आए, सर क्यों लेकर आए हमको यहाँ पे। तो हम चाय पीने लगे और यहाँ पे एक अजूबे का पेड़ है जिसने कपड़े पहने हुए, मेरे से तो कपड़े इसने पहने हुए। ओके ओके ओके, ये स्पिरिचुअल पेड़ है, मेरे को पहले समझ नहीं आई। जय श्री राम। गाइस एक चीज बताऊं, देख रहे हो तो ये मेरे को बहुत एस्थेटिक कलर्स मिले और मैंने ले लिए। गाइस मैं आसमान की ऊंचाइयों में, ये देखो। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे हम पहले आए थे, आपने देखी होगी मेरे पिछले ब्लॉग में ये जगह। एंड बस पूंछ के सिर्फ हम दोनों हैं, काफी अच्छे लग रही है वाली फीलिंग कि हाँ पूंछ से हम सिलेक्ट हुए अपनी डिस्ट्रिक्ट से और अब नेशनल्स के लिए जा रहे हैं। हम इस भूतिया कॉरिडोर में वापस से पहुंच चुके हैं। तो अब मैं वापस वैसे रूम में पहुंच गई हूँ, बैठी हुई हूँ यहाँ पे। अभी हम बाहर आए कुछ खाने पीने के लिए और सभी पूछते कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अरे भाई क्यों चिंता कर रहे हो, नहीं भाग रहे हम यहाँ से, नहीं भाग रहे, कहाँ जाएंगे भाग के, और बैग शेक छोड़ के भाग के जाएंगे, नहीं भागेंगे यार। आंटी के पास हम वापस आ चुके हैं मोमोज खाने, जिनके पास हमने पहले खाए थे। मैं याद हूँ आपको आंटी? हाँ मैं जब आप उतरे मैं उतरते ही देख लिया था, देख लिया था, मेरा कस्टमर आ गए। हाँ जी। डू यू गेट देजा वो? यस आई एम गेटिंग देजा वो। या इसी दुकान से हम ले रहे वापस चीजें। भैया मोली टॉफी है? मोली नहीं है? ओहो भैया क्या करते हो यार, मोली नहीं है, कल पक्का मंगाओगे मोली? ठीक है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दैट खस्ता वॉशरूम अगेन। मैं अभी चेंज करने आई हूँ राइट सूट में और बस कुछ नहीं।
ये क्या कर रहे हो मैम आप? गाइस अभी रात हो गई है, सभी वहाँ पे सो गए, मैं वॉशरूम आई हूँ और मेरे को बहुत नींद आ रही है, पर मैं एडिटिंग कर रही हूँ, उसके बाद सो जाऊंगी और अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह, बाय गुड नाइट। वहाँ पे चल रही है डांस की प्रैक्टिस और मैंने यहाँ पे लगाई हुई है फोन्स की सेल। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नीचे चल रही है उनकी डांस प्रैक्टिस और मैं वापस से आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि बोल रहे थे कुछ मीटिंग है तो वो अभी नहीं है, वो शायद आधे घंटे बाद होगी, तो मैंने इतनी देर नीचे रह के क्या करना है। मैं मूवी देख रही थी 12th फेल, तो मैं सोचा वो कंप्लीट कर लेती हूँ और अभी थोड़ी देर तक मैं चप्पल लेने भी जाऊंगी, एक बैठ जाती हूँ यहाँ बिस्तर में। इस बार ना यहाँ पे मैं उतना अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को एक्सपीरियंस हो गया ना कि कैसे सर्वाइव करना होता है यहाँ पे, खाने पीने का, ठंड का, वॉशरूम का, तो अब मैं थोड़ा सीख गई हूँ, मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ अब। तो ये लड़कियां भी लॉटरी लाई जिसमें से निकला 500 रुपए का नोट, हमारी लॉटरी लगी एक्चुअल वाली। हाँ मेरे को भी एक दे दो, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों वाली चीजियां लाए। ये इतना क्यूट सा चॉकलेट भी दिया इन्होंने मेरे को, तो मैं भी बच्ची हूँ वैसे, पर ये मुझसे छोटे, तो फिर अभी बड़ा कौन हुआ? मैं। बताओ इनमें से कौन सा नोट असली है? ऊपर लिखा होता है। मैं पूछ रही हूँ ना, बताओ। बड़ा नहीं वो छोटा है। गाइस महाराष्ट्र में जाकर किसी के साथ प्रैंक करूंगी, ये वाला नोट दूंगी, फिर वो मेरे को बोलेगा अरे ये क्या आ रहा है, फिर ये वाला दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ चप्पल लेने चॉकलेट खाते खाते, और ये चॉकलेट एक्चुअल में टेस्टी है। कितने का? 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए का? नाइस। गाइस देखो कितनी छोटी सी बच्ची मिली है मेरे को। एक्चुअली मुझे इसको ऐसे देखना पड़ रहा है, लास्ट टाइम मैंने बच्ची अडॉप्ट की थी, इस बार मैंने बच्ची। गाइस चप्पल तो नहीं मिली और ये मैंने अभी अभी इमली खाई है तो यहाँ पे लग गई, तो हम शाम को जाएंगे चप्पल लेने। इसको क्या बोलते हैं? पहाड़न बन गई गाइस। हम जा रहे हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल जो इस बार महाराष्ट्र में होना। किंदे ताले मचनो, किंदे ताले तू, तुमक तुमक हाय, किंदे ताले तू। ये हमारे आज के कैमरामैन सर, आपका नाम बताए? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए? बहुत जगह गया हूँ। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। थोड़े से डालो गाइस, आज फिर से मेरा फेवरेट पालक पनीर बना है, यहाँ पे पनीर डाला ही नहीं। शुक्रिया भैया। गाइज अभी सारे नीचे, वहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह चल रही थी, मैं भी वहीं पे थी, मैं ऊपर अपना फोन चार्जिंग पे लगाने आई एंड मैंने यहाँ से एक लड़की का चार्जिंग पे उतारा और मैं चेक करती कि इसकी बैटरी अगर हो चुकी है काफी तो मैं इसकी जगह अपना लगा लेती हूँ, एंड मैंने खोला और यहाँ पे देखो वॉलपेपर में मेरा और उसका फोटो जो उसने क्लिक किया था। सो क्यूट यार। नहीं सोचो आप किसी का फोन खोल रहे हो और उसका वॉलपेपर में आपका फोटो है। क्यूट, आई लाइक दिस। अब मैं अपना फोन लगा लेती हूँ चार्जिंग पे, तो मेरे को एक कॉ मिली, कॉ नहीं है, इसे कॉ का हस्बैंड आई है, प्लीज मेरे को मारना मत, मैं आपके लिए और लेकर आती हूँ, ठीक है? इसको मैंने ब्रेड खिलाई, कितनी बढ़िया। एंड ढंटड़ा आ गया मेरा मैगी, मेरी मैगी। तो मैंने थोड़ा सा सामान लिया, चप्पल टॉवल वगैरह वगैरह, और एक किंडर जॉय लिया अभी के लिए, तो देखते हैं किंडर जॉय मेरे में से क्या निकलेगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द टॉय, हो सकता है वो मेरा साथी बन जाए इस पूरी ट्रिप में। ढंटड़ा, ओ शिट, ये साथ ही नहीं बन सकता क्योंकि ये कोई कैरेक्टर है ही नहीं, और ये आपको नीचे का कैमरा एंगल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एक छोटी सी बच्ची को दी है फोन पकड़ने के लिए। यार एक कैमरा भी पकड़ो, बेइज्जती बहुत कर रही है। ये जोड़ के दिखाती हूँ, ठीक है? तो गाइस मेरे को ये रिंग निकली, मैंने सोचा था मुझे कोई कैरेक्टर निकलेगा वो मेरा दोस्त बनेगा। ये देखो मेरी नई चप्पल और ये हैंकी और ये छोटा सा टॉवल, ये सब चीजें मैं पैक करके अपने डाल रही हूँ छोटे वाले बैग में। दीदी ने ऐसे टीका लगाया तो मेरे को भी शौक है, तो मैं भी लगवा रही हूँ इनसे। लगाओ। अरे कहाँ जा रहे हो इतना लंबा? हो गया? अब इसको उतारना कब है? खुद ब खुद निकल जाएगा जब सूख जाएगा तो। तो गाइस यहाँ पे मैं परेशान बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे 2000 रुपए गुम चुके हैं, पता नहीं शायद किसी ने निकाल लिए, मतलब थोड़े बहुत मेरे पास भी थे पर 2000 मैंने बैग में रखे थे वो गायब हो गए। नाइस, गुड एक्सपीरियंस। ये देखिए यहाँ पे मैं सारा सामान इधर उधर खलिया रहा हुआ है चेक करने के लिए कि कहीं मैंने कहीं और तो नहीं रखे थे, बट नहीं मिल रहे मुझे। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे कि कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी का पहला ट्रेन का सफर। एक सरप्राइज है आपके लिए और मेरे लिए भी। तो ये मुझे बहुत भूख लगी और मैं गंदी भी हूँ, तो ये मुझे बहुत भूख लगी और तो मुझे बहुत दीदी यार प्लीज दीदी यार स्टोरेज में कोई ना हो, तो मेरे को बहुत
तो यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे हैं। ये तो बोलना बंद करना पड़ेगा हमें ना, अभी सर आ रहे तो उनका तो यार दो के बगैर नहीं सीटें स्प्लिट होता। सर को बिठाना है और पीछे बैठ जाओ। नहीं पीछे नहीं, शोर मत करो। चप्पल लेने के लिए मेरे से बड़ी चप्पल है। चुप, चलो इसके अनबॉक्सिंग। चुप, अच्छा कोई नहीं बोलेगा यार। ये देखो ना प्लीज। हाँ बिल्कुल, यहाँ रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। करो